सख्त कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर गरमाया बॉलीवुड। फिल्म पर लग गया अश्लील का टैग। क्या कॉन्ट्रोवर्सी से कभी बाहर आ पाएगी ये फिल्म? वेल, ये तो सभी जानते हैं कि साल द कश्मीर फाइल्स कई वजहों से लाइमलाइट में छाई रही। पहले तो सब्जेक्ट, फिर कंटेंट, फिर ऑडियंसेस का छप्पर फाड़ प्यार, फिर बॉक्स ऑफिस और अब फिल्म पर अश्लील का टैग लग गया है, जिसके बाद कुछ देर के लिए सुलझा ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। दरअसल साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी ईफी के जूरी प्रमुख नडाव लापिट ने आलोचना करते हुए से वल्गर प्रोपोगेंडा कहा है। उन्होंने कहा, द कश्मीर फाइल्स देख हम सभी डिस्टर्ब और शॉक्ड थे। ये मूवी हमें वल्गर और प्रोपोगेंडा बेस्ड लगी। इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल के लिए ये फिल्म सही नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स को खुले तौर पर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये इवेंट इसीलिए है कि हम आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। इस इवेंट में द कश्मीर फाइल से हम सभी परेशान हो गए। ये हैरान करने वाली मूवी थी, जिसके बाद क्या था, फिर से मुद्दा अब चर्चा का विषय बन गया है। नडाव के इस कमेंट पर बॉलीवुड के कई स्टार्स अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, ट्वीट पर पलटवार कर रहे हैं, जहां अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सच के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। वहीं रणवीर शौर्य और अशोक पंडित ने भी ट्वीट कर नाराजगी दिखाई है। मुद्दा अब कहां जाकर खत्म होगा और क्या साल की एंडिंग भी इसी फिल्म की कंट्रोवर्सी के साथ खत्म होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।